तो नमस्कार, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल सूर्य एजुकेशन हेल्प डेस्क में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार यूनिवर्सिटी के बारे में। बिहार यूनिवर्सिटी की आज की जो अपडेटेड न्यूज है आप लोग इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा जहाँ पर आप लोग को इसी तरह की अपडेट मिलती रहती है, तो जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की जो अपडेटेड न्यूज है आप लोगों को बताते हैं। तो आज की जो फर्स्ट न्यूज, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, 56 ऐसे कॉलेज हैं जिसके संबंधित प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है। और उसके बाद हम बात करते हैं जैसा कि दिया गया है नीचे के स्नातक और पीजी का जो रिजल्ट है उसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका रिजल्ट अभी तक भी नहीं दिखा रहा है। तो वैसे कैंडिडेट को बताना चाहेंगे, अगर आपको रिजल्ट नहीं दिखा रहा है तो थोड़ा वेट कर लीजिए, या फिर आप लोग इसके यूनिवर्सिटी के मेल पर आप लोग मेल कीजिए कि इसका लिंक जो वेबसाइट है उससे उतारा जाए, या फिर अपने कॉलेज से जाके मिलिए। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि बिहार विश्वविद्यालय की सिंडिकेट बैठक को बुधवार को स्नातक और पीजी के रिजल्ट में हुई गड़बड़ी को लेकर सदस्य ने हंगामा किया। और ये भी बता दें कि इसका जो स्नातक और पीजी का रिजल्ट जारी किया गया है इसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं, और जिसकी वजह से फिर से सुधार करके आप लोगों को रिजल्ट जारी किया जाएगा। आप लोगों को जैसा कि दिया गया है, उनका कहना था कि विश्वविद्यालय छात्रों के लिए होता है, लगातार परिणाम में गड़बड़ी होने के कारण छात्र परेशान हैं, अधिकारी क्या कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर आप लोगों को स्नातक और पीजी के रिजल्ट में जो गड़बड़ी पाई गई है उसमें आप लोगों को इसमें बैठक बुलाई गई थी, और उसे कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द सुधार करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद फिर देख सकते हैं यहाँ दिया गया है स्नातक पार्ट वन के रिजल्ट पर DSW प्रो अजीत कुमार ने कहा कि पेंडिंग छात्रों की लिस्ट कॉलेजों को भेजी गई है। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि बेसिक कैंडिडेट का लिस्ट भेज दिया गया है, रिजल्ट का जो कैंडिडेट पेंडिंग दिखा रहा है उनका लिस्ट कॉलेजों को भेज दिया गया है, तो अपने कॉलेज से जाकर जोन में लिया गया। उसके बाद फिर दिया गया उनसे प्रैक्टिकल का मार्क्स मांगा गया है लेकिन तमाम प्राचार्यों ने विश्वविद्यालय को सूची नहीं भेजी है, और साथ में प्रैक्टिकल का भी जो मार्क्स होता है वो कॉलेज के द्वारा विश्वविद्यालय को नहीं भेजा गया है, जिसके वजह से आप लोगों का जो रिजल्ट में है गड़बड़ी पाई गई है। और उसके बाद फिर देख सकते हैं दिया गया है जिससे परेशानी होती है, बता रहा है कि 10 जनवरी को विश्वविद्यालय सीनेट की बैठक होनी है। यानी कि आप लोगों को बैठक होगी 10 जनवरी को, इसी में ये सब चीज़ें आप लोग चलने वाली। उसके बाद फिर देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को बजट के बारे में दिया गया है। तो आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि स्नातक और पीजी का जो रिजल्ट है उसमें गड़बड़ी पाई गई है, तो आप लोगों को 10 जनवरी के बाद ही जो भी गड़बड़ी है आप लोगों को उसमें सुधार किया जाएगा। चलिए आज के अगले न्यूज पे। तो आज के जो अगले न्यूज, जैसा कि आप लोग यह देख सकते हैं, LS कॉलेज में एक वर्षीय बिलिस कोर्स को मिली मान्यता। जैसे कि दिया गया है कि आप लोग को LS कॉलेज जो है उसमें एक वर्षीय बिलिस का मान्यता दे दिया गया है, आप लोग नामांकन ले सकते हैं। 10 तारीख से आप लोग का नामांकन शुरू हो गया है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, LS कॉलेज में सिर्फ मान्यता दिया गया है, LS कॉलेज में, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और बिलिस के लिए आप लोगों को एक वर्षीय बिलिस के लिए मान्यता दिया गया है। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, LS कॉलेज में सेल्फ फाइनेंस मोड में एक वर्षीय बिलिस कोर्स की उच्च शिक्षा विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद विश्वविद्यालय की ओर से सहमति दे दी गई है। शैक्षणिक सत्र 2021-22 में नामांकन की प्रक्रिया पहले आओ पहले पाओ के आधार पर शुरू की जा रही है। विभाग की ओर से 50 सीट पर नामांकन के लिए सहमति दी गई है। यानी कि आप लोगों को बता दें कि 50 सीटें हैं, और इसमें ये बताया गया है कि अगर आप लोग नामांकन लेना चाहते हैं तो जाइए, जो पहले पहुँचेगा वह उनका नामांकन होगा, जैसा कि दिया गया है। और 10 जनवरी से आप लोग का नामांकन शुरू हो जाएगा। इस कोर्स में नामांकन के लिए 10 जनवरी से होगा। इसके लिए पहले ही 90 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर नामांकन लिया जाएगा। यानी कि पहले ही 90 विद्यार्थी इसमें आवेदन दे चुके हैं, और जो कैंडिडेट अभी तक नहीं दिए हैं वो कैंडिडेट दे सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ दिया गया है, जिनका 45% से अधिक अंक हो वे इसमें नामांकन ले सकते हैं। सामान्य OBC कोटि के विद्यार्थियों के लिए 12,000 और SC ST कोटि के लिए विद्यार्थियों के लिए 10,000 रुपये कोर्स फीस निर्धारित है। जैसा कि यहाँ दिया गया है, कोर्स फीस जो आप लोगों को दिया गया, अगर सामान्य OBC कैटेगरी से आप लोग आते हैं तो आप लोगों को 12,000 रुपये इसमें कोर्स फीस देना होगा। वही बात कर लेते हैं, अगर SC ST कैंडिडेट है तो उसमें आप लोग को 10,000 रुपये लगने वाला है इस कोर्स के लिए। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, फीस को देख लीजिएगा, उसके बाद नामांकन लीजिएगा, या फिर सीटों की संख्या जो है उसके आधार पर आप लोग नामांकन ले सकते हैं। और जल्द से जल्द आवेदन कीजिए, नहीं तो आप लोगों को 10 जनवरी के वेट कीजिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ दिया गया है, 90 विद्यार्थी हैं जैसे हैं जो आवेदन ले चुके हैं। चलिए आज के अगले न्यूज पे। आज के जो अगले न्यूज, जैसा कि आप लोग यह देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है PG सत्र 2 साल का, साइट पर 3 साल अंकित। बता दें कि PG के जो भी कैंडिडेट हैं उनको बता दें कि PG वहाँ पर 3 साल का दिखा रहा है लेकिन आप लोग का 2 साल का ही होता है, तो साइट का गड़बड़ी है, आप लोग घबराए नहीं। जैसा कि यहाँ दिया गया है, PG सत्र पहले ही 2 साल का होता लेकिन बिहार विश्वविद्यालय 3 साल का मान रहा है। पिछले कई दिनों से विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर PG का एक सत्र 3 साल का अंकित दिखा रहा है। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप लोगों को 3 साल का दिखा रहा है, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। उसमें
थोड़ा साइट की वजह से प्रॉब्लम उसमें आई है, तो आप लोग को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा आप लोग ज़्यादा मत घबराइएगा। जैसा कि आप लोग यह देख सकते हैं, फिर दिया गया है छात्रों का ग्रोथ। यदि स्नातक के बाद अब पीजी रिजल्ट को लेकर छात्र हैं परेशान। स्नातक के तो रिजल्ट दिखाने लगा है और साथ में अब पीजी का जो रिजल्ट है और उसमें एक और गड़बड़ी, जैसे कहता है कि सेशन का गड़बड़ी है, तो वो सेशन आप लोगों को ठीक कर दिया जाएगा। उसमें आप लोगों को वेट करना होगा। स्नातक रिजल्ट में 50 से 63 अंक मिलने पर छात्रों का होगा। सबसे पहले तो बता दें कि पीजी वाले जो कैंडिडेट है जिनका सेशन वहाँ पर 19-22 दिखा रहा है, 19 कैसे होना चाहिए लेकिन 19-22 दिखा रहा है, तो आप लोग घबराने की ज़रूरत नहीं है। साइट की वजह से ऐसा हो रहा है, तो आप लोगों को ठीक हो जाएगा आगे। चलिए आज के अगले न्यूज पे, आज के जो अगले न्यूज, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अगर कोरोना के कारण कॉलेज में फिर से आप लोगों को ऑनलाइन कक्षाएँ शुरू की जाएगी। साथ में जो परीक्षाएँ निर्धारित की गई है बिहार विश्वविद्यालय के द्वारा जो भी परीक्षाएँ अभी तक निर्धारित की गई है, उन सभी परीक्षाओं को आप लोगों को यहाँ पर ऑनलाइन कक्षाएँ ली जाएगी। साथ में जो एग्जामिनेशन होने वाली है, उसकी जो एग्जामिनेशन है आप लोगों को उसी शेड्यूल पर भी ली जाएगी। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले के बीच अब बिहार विश्वविद्यालय कॉलेज में फिर से ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। इसे लेकर विश्वविद्यालय की ओर से सभी कॉलेजों को निर्देशित किया गया है और ऑनलाइन कक्षाएँ इसमें शुरू की जाएगी, लेकिन जो एग्जामिनेशन है उसकी एग्जामिनेशन उसी तिथि के आधार पर होने वाली है। तो आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए आज की जो अपडेटेड न्यूज़ थी, आप लोगों को हमने इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की है। साथ ही इससे रिलेटेड और भी कोई अपडेट चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वहीं बात कर लेते हैं, अगर आप लोग बिहार यूनिवर्सिटी से हैं और पैट 2020 का जो इंटरव्यू है अभी तक नहीं हुआ है, तो उसके लिए जो भी कैंडिडेट परेशान है तो उनको बता दें कि उन्हें और वेट करना है। यूनिवर्सिटी द्वारा तो कहा गया था कि दिसंबर के मिड में ही इसका जो भी इंटरव्यू होना है हो जाएगा, लेकिन अभी तक इसके बारे में उसके बाद फिर से कोई अपडेट नहीं आया है कि अब इंटरव्यू कब होगा। और साथ ही इससे रिलेटेड जो भी कैंडिडेट अगर परेशान है तो कैंडिडेट को पेशेंस रखना है, आप लोगों का इंटरव्यू होगा ही। और जैसा कि कुछ अपडेट आ रहा है कि आप लोगों को फरवरी मिड से पहले ही होने की संभावना जताई जा रही है। तो चलिए आज की जो अपडेटेड न्यूज़ थी, और आप लोगों को यह बता दें कि हो सकता है और देरी हो सकती है। मिड तो यहाँ पर हमने बता दिया, लेकिन इसमें और देरी हो सकती है क्योंकि कोरोना के कारण और भी इसकी इंटरव्यू होने में हो सकता है इसका जो डेट है उसे आगे बढ़ा दिया जा सकता है। तो चलिए आज की जो अपडेटेड न्यूज़ थी आप लोगों को हमने बता दिया। साथ ही अगर बिहार यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी आप लोगों को अपडेट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।